नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह। चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। ऐसे में सोन नदी किनारे छठ घाट की तैयारियों का जायजा लेने रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष भारती दल बल के साथ पहुंचे घाटों का निरीक्षण करने। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार सहित अधिकारियों की टीम ने डेरी ऑनसन के इमिलिया घाट, स्पाइसी हट के सामने का घाट, बालगोविंद बिघा घाट, शिवगंज घाट सहित मथुरी घाट पर जाकर बैरिकेडिंग लाइट सहित वॉच टावर का जायजा लिया। वही डीएम ने बताया कि छठ व्रत को लेकर व्रतियों के लिए किसी भी तरह का असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए गोताखोरों सहित एनडीआरएफ की टीम को सोन नदी सहित विभिन्न घाटों पर तैनाती की जाएगी। साथ ही सफाई के लिए नगर परिषद को निर्देशित किया गया है। वही एसपी आशीष भारती ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती किया जा रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल और वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि व्रत करने वाले व्रतियों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। मौके पर एसडीएम समीर सौरभ, डीसीआरएल श्वेता मिश्रा, सीओ अनामिका कुमारी सहित पूजा कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। रोहतास संवाददाता डेरी से पुष्पा गुप्ता का रिपोर्ट। आगामी फेस्टिवल को देखते हुए घाटों का इंस्पेक्शन आज हो रहा है और देखा जा रहा है कि घाट सेफ है नहीं है, बैरिकेडिंग है कि नहीं, और साफ सफाई का इश्यूज को भी हम लोग देख रहे हैं और जिस जिस जगह पर आवश्यकता है नगर निगम को निर्देशित किया जा रहा है। देखिए, छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है और इसको लेकर के काफ़ी संख्या में लोग छठ घाटों पर आएंगे। इसको लेकर के पुलिस के द्वारा विभिन्न तरीके की व्यवस्था की गई है। सभी छठ घाटों पर पुलिस पदाधिकारी और बल नियुक्त रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विभिन्न जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है, जहाँ पे लोगों से अनुरोध रहेगा कि अपने पार्किंग स्थल में ही उसको वाहन को लगाएं। हम लोग वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिना किसी दुर्घटना के छठ पूजा रोहतास जिले में संपन्न। महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर उम्मीदवार मालती देवी के तरफ से चकनहा पंचायत के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। मलियाबाग में जाम लगा हुआ है, पानी बढ़ाने के लिए तो बढ़वाएंगे, तो दिखवाइए जल्दी से, दिखवाइए वहाँ पे। यहाँ पे ही मेन घाट रखो, आदर्श घाट जो वहाँ रखे हो ना, उससे अच्छा घाट तुम्हारा ये था। और इसमें इतना लंबा है कि पूरा शहर भी नहीं जा सकता इसमें, क्या है कि नहीं, हर कटौती बढ़ी है, बस ये कनेक्टेड यही हो जाता है ना, सिंपल से यहाँ से आगे। मथुरी पुल है सर, नहर जो, हाँ सर नहर इधर से एंट्री ना, इधर से एंट्री है सर, इधर कल लेवल मतलब रात में 10-11 बजे ठीक चल रहा था, गया पानी बहुत, पानी है ही नहीं, खत्म हो गया, सूख गया, ऐसा लग रहा है जैसे बंद कर दिया गया। अगर अभी दे देंगे तो पानी बचेगा नहीं। सर पानी हम लोग क्लियर बता दे किस दिन चलेगा वहाँ पे, थोड़ा सा सब डूब जा रहा है सर, ये छोड़ने पर सब डूब जा रहा है सर, सब रात एक बार देख लिया जाता सर, वो रेलवे पुल के पास जो है ना घाट सर, बहुत ही अच्छा जगह है। रोहतास जिले के सभी नागरिकों को मैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। रोहतास पुलिस के द्वारा छठ पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। सभी जो महत्वपूर्ण घाट हैं या जहाँ पे अर्घ दिया जाएगा वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था के संधारण के लिए भी पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो उसको सुनिश्चित करेंगे।